सो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये हमारी फर्स्ट टेस्ट सीरीज है आपके CUET PG MPED के कोर्स की, जो कि आपका एग्जाम 17 मार्च को है फिजिकल एजुकेशन का। तो हम लोग जो है फर्स्ट अपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हेल्थ एजुकेशन से। जैसे कि हमने जब अपनी क्लासेस की थी तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमने हेल्थ एजुकेशन ही कवर किया था, सो हम लोग टेस्ट सीरीज भी सब उसी सीक्वेंस में चलाएंगे या करेंगे कवर, ठीक है। सो दिस विल बी एन इंट्रोडक्टरी वीडियो, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो कह सकते हैं आप। ये भी जस्ट एंड 30% है जो हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर आपको फर्दर क्वेश्चंस, अगर आपको और जाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं और हर टाइप के क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं, कौन से आ सकते हैं, तो आप ऐप उस पर जा सकते हैं, साइट पे डिकोडिंग स्पोर्ट्स की साइट जो भी आपके स्क्रीन पे विजिबल है। अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए कि जिसमें आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, कंप्लीट लेक्चर्स, गाइडेंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स विद बेस्ट नोट एंड टेस्ट सीरीज, अगर आपको पूरा चाहिए तो ये 1000 में आपको अभी अवेलेबल हो जाएगा ऐप पे। इसमें आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे सीक्वेंस वाइज, सारे सब्जेक्ट के पूरे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं और उनके नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे और कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा। और अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए बस सारे उनकी की क्वेश्चन उनके और उनमें टेस्ट में कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन आते, तो आप यहाँ पे ऐप में पेड टेस्ट सीरीज में जाके 400 रुपीज़ में उसको ले सकते हैं, ठीक है। वो भी अवेलेबल है 400 रुपीज़ में सारे सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज, वरना तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हैं 1000 वाला। और जो हम अभी कर रहे हैं ये भी एक पार्ट है उसी टेस्ट सीरीज का। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हेल्थ एजुकेशन से। बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस करना, सॉल्व करना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन कम इज, विच ऑफ दीज इज नॉट कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रिएंट, इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं होता है। देखो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट क्या होता है जो हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। हमने कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट पढ़े थे, दो टाइप के, मैक्रो एंड माइक्रो, ठीक है। जिसको आप क्या होता है बेसिकली, ये होता है देखो, सन सन जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। सनलाइट, सन से लाइट आती है, सनलाइट आती है, उस लाइट एनर्जी को क्या करते हैं प्लांट में, फोटोसिंथेसिस होता है, तो वहां पे वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। केमिकल एनर्जी की फॉर्म में वो उसको स्टोर कर लेता है, कौन, प्लांट। अब इसी केमिकल एनर्जी को, मतलब इन्हीं प्लांट्स को हम लोग क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। जो भी हम फूड खाते हैं वो प्लांट से खाते हैं या फिर हम किससे खाते हैं, एनिमल से। और ये एनिमल्स क्या होते हैं, ये भी उन प्लांट्स को ही खाते हैं। तो क्या हुआ, मेनली ये केमिकल, जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है, ये हमारी बॉडी में आती है, ठीक है। बॉडी में आके हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये स्टोर्ड केमिकल एनर्जी के फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में आते हैं और वहाँ पे जाके सर्टेन रिएक्शंस होते हैं जिनसे हमें एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी हमको मिलती है। सो इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं होता है, तो फर्स्ट इसका पॉइंट है विटामिन, ओ सॉरी ऑप्शन है विटामिन्स, फाइबर्स, फैट्स एंड मिनरल्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी फाइबर्स, ठीक है। विटामिन्स किस में आता है, माइक्रो मिनरल्स में, सॉरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, सॉरी। फैट्स किस में आता है, मैक्रो में, मैक्रो न्यूट्रिएंट में। मिनरल्स किस में आते हैं, ये भी माइक्रो में आते हैं। मैक्रो और माइक्रो आपको पता ही है, जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा, जो लार्ज अमाउंट में चाहिए वो मैक्रो न्यूट्रिएंट होगा। सो फाइबर इज नॉट कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रिएंट। देन कम द सेकेंड क्वेश्चन, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस डज नॉट इंक्लूड। अब देखो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस क्या इंक्लूड नहीं करती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिटनेस, कौन कौन सी, हेल्थ रिलेटेड और स्किल रिलेटेड, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कौन सी होती है, जो हमको डेली लाइफ में चाहिए, किसी सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले पर्सन को अपना या फिर नॉर्मल नॉन स्पोर्ट्स पार्टिसिपेटिंग वाले इंडिविजुअल को अपनी डेली लाइफ में चाहिए, क्या करने के लिए, अपना अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज को, जिससे कि वो बिना फटीग के कर पाए। तो ऐसी कौन सी कंपोनेंट्स होंगे जो उसकी हेल्थ रिलेटेड फिटनेस को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, वो आते हैं हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में। और स्किल रिलेटेड में आता है कि जो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, जो भी उसकी स्पोर्ट्स की नीड है, उनको अगर हमें एनहेंस करना है, स्किल को एनहेंस करना है, तो वो फिटनेस कौन सी है, ठीक है, वो आती है हमारी स्किल रिलेटेड फिटनेस में, ठीक है। तो ये दो टाइप की फिटनेस होती है। तो इसमें हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में क्या नहीं आता, देखो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में आंसर है स्पीड, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में क्या क्या आता है, बॉडी कंपोजिशन, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर
एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी और कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, ठीक है, ये 5 आते हैं, ठीक है। तो बॉडी कंपोजिशन भी उसमें आ गया, फ्लेक्सिबिलिटी भी उसमें आ गया, एंड्योरेंस भी उसमें आ गया, क्या नहीं आया, स्पीड। और इसमें क्या आता है स्केलेटन में, इसमें आता है एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, पावर, स्पीड एंड रिएक्शन टाइम, ये 6 आते हैं स्किल रिलेटेड में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ क्या होते हैं, ये तो आपको सब बेसिक पता ही होगा, थोड़ा गेस करो इन पॉइंट्स में से कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कौन से हो सकते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन या फिर मिनरल्स, एक बार गैस करो कौन सा हो सकता है, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ जो बेसिक स्ट्रक्चर देते हैं हमारी बॉडी को, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ होते हैं, तो गैस करो। सो द करेक्ट आंसर विल बी प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है, मसल फॉर्म में हेल्प करता है हमारी, तो क्या है बेसिक स्ट्रक्चर हमको वही प्रोवाइड कर रहे, तो द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ इज प्रोटीन्स। देन सेकेंड क्वेश्चन कम इज अ डाइट कंटेनिंग राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड, कोई ऐसी डाइट। डाइट क्या होता है, अब हमने आपको बताया था फूड, जो हमने क्लास ली थी फूड और डाइट में, हम डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फूड जो हम लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने सुबह कुछ खाया, दोपहर में कुछ खाया, या फिर सुबह कुछ खाया और उसमें भी मैंने एक बनाना खाया, फिर एक दलिया खाया, फिर दूध पिया, फिर कोई और एक और कोई हमने फूड आइटम खाया, तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स क्या होती है, डाइट होती है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स क्या होती है, डाइट होती है। डाइट कंटेनिंग कोई ऐसी डाइट है जिसमें सही अमाउंट में एनर्जी है जितनी हमको चाहिए। सही अमाउंट में क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट्स भी है, प्रोटीन्स भी है, फाइबर्स भी है, मिनरल्स भी है, विटामिन भी है एंड वाटर भी है, ठीक है। तो उस बॉडी जो कि बॉडी को चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सी डाइट होगी, वो न्यूट्रिशन होगी, बैलेंस डाइट होगी, परफेक्ट डाइट होगी, फूड पिरामिड होगा, वो होगा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट की फॉर्म यही है कि एक ऐसी डाइट जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दे। एंड बैलेंस डाइट सबके लिए डिफर होगी क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस के बेसिस, हर इंसान को सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए, ठीक है, सबकी नीड्स अलग होगी, तो सबके लिए बैलेंस डाइट अलग होगी, ये नहीं कि सबके लिए सेम होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनीमिया इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ, अभी आपका क्वेश्चन आ गया, डिसीज इज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से, अनीमिया इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ, अनीमिया किसके डेफिशिएंसी में होता है, अगर कोई चीज कम हो रही है बॉडी में तो अनीमिया होगा, आयरन की कमी से होगा, विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की या विटामिन डी की। सो द करेक्ट आंसर विल बी आयरन, ठीक है, आयरन जिसको हम Fe से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल होता है Fe। देन सेकेंड क्वेश्चन कम, कंज्यूमिंग रिच फूड विदाउट करेस्पॉन्डिंग कैलोरीज बर्निंग मैकेनिज्म लेड टू, कंज्यूमिंग रिच फूड विदाउट करेस्पॉन्डिंग कैलोरीज, मतलब कि सपोज करो मैंने कोई फूड में क्या होता है, फूड से हमें कैलोरी मिलती है, मैंने खाई 1500 कैलोरी, ठीक है, किसी भी फूड से, और मैंने कितनी बर्न की, मतलब मैंने वर्कआउट किया और मेरी कितनी बर्न हुई, सिर्फ 300 बर्न हुई, 300 कैलोरी बर्न हुई, तो ये क्या हुआ, ये 1200 एक्स्ट्रा हो गई हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, अगर हम एक दिन किया हमने तो ज़्यादा कुछ इफेक्ट आएगा नहीं, पर मैं रोज ऐसे ही कर रहा हूँ, नियर अबाउट 2 मंथ तक मैंने ऐसे किया, तो 1200 कलेक्ट होकर कितनी हो जाएंगी बॉडी में, बहुत सारी हो जाएंगी ना। सो अगर कैलोरी बर्निंग मैकेनिज्म ज्यादा हो नहीं रहा है और हम इंटेक अच्छा कर रहे हैं कैलोरीज का, तो क्या होगा, लॉस ऑफ एफिशिएंसी होगा, मसल गेन होगा, एबनॉर्मल वेट गेन होगा, फिर इनमें से कुछ भी नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी एबनॉर्मल वेट गेन, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ कैलोरी रह जाएंगी तो सब ऑफ कोर्स एबनॉर्मल वेट गेन होगा, अगर आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले इंडिविजुअल हैं। आवर हेयर्स एंड नेल कंटेंट्स, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन मैं समझता हूँ होना चाहिए, हमारे बालों में और हमारे नेल्स में क्या होता है, फॉस्फरस, प्रोटीन, क्लोरीन, कैल्शियम, सो इट कंटेन्स प्रोटीन, ठीक है। अब आता है देखो, एक ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया थोड़ा, इसमें मैच द फॉलोइंग आ गया। सो क्वेश्चन है मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स, अब लिस्ट वन ये है, लिस्ट टू ये है, लिस्ट वन में क्या दिया गया है, विटामिन, एंड इसमें क्या दी गई है, विटामिन से डेफिशिएंसी डिसीज कौन सी होती है, तो आपको इनके पेयरिंग करने हैं,
कि विटामिन ए से कौन सी होती है, विटामिन बी से कौन सी होती है, विटामिन सी से कौन सी होती है, विटामिन डी से कौन सी होती है। तो आप सब लोग एक बार ट्राई करो, फिर हमें बताते हैं उसका आंसर। हमें क्या करना है, देखो इन क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको इसमें से दो भी पता है कोई सी, तो भी आप यहाँ पे आपको सही आंसर पता लग सकता है। तो हम स्टार्ट करें। देखो विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन ए से मैंने आपको बताया था, विटामिन ए किसके लिए, विटामिन ए रिच फूड किसके लिए अच्छा होता है, आइस के लिए, ठीक है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी से क्या होगा, मतलब फोर्थ फर्स्ट ऑप्शन का क्या आंसर है, फोर्थ आंसर है। अब देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑप्शन का क्या फोर्थ आंसर सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन का फोर्थ आंसर कौन से में सही है, थर्ड वाले में सही है। अगर आप एक ऑप्शन में बिल्कुल सही हो कि विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता ही होता है, आप 100% करेक्ट हो, तो आप इस ऑप्शन को टिक कर दो। अगर एक में ही वो है, क्योंकि यहाँ पे बस एक में ही फोर है, तो आप इसको टिक कर दो, आप आगे वाले जस्ट फॉर अपनी नॉलेज के लिए चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो अगर ये सही निकल गया, पर हम आगे भी इसको करेंगे। विटामिन बी से क्या होता है, विटामिन बी से होता है बेरी बेरी, ठीक है, बी से ये और बी से बेरी बेरी। देन विटामिन सी से फायरिया, मतलब थर्ड का फर्स्ट होना चाहिए। एंड विटामिन डी से आपको पता है रिकेट्स होता है, रिकेट्स क्या होता है, जो बोन डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है, दैट रेफर्स टू रिकेट्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, आंसर सी। सी में देखो ये वाला है, फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फर्स्ट एंड फोर्थ का सेकंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन का, एब्सेंस ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन डाइट रिजल्ट्स इन, अगर हमारी डाइट में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की एब्सेंस रहेगी तो हमको क्या होगा, ऑप्शन ए स्किन डिसऑर्डर, ऑप्शन बी रिडक्शन इन गैस्ट्रिक जूसेस, सी डाइटरी इम्बैलेंस, या डी लॉस ऑफ एपेटाइट। अब आपको क्या देखना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है कौन सा होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी डाइटरी इम्बैलेंस। देखो डाइट में क्या बोलते हैं, वेजिटेबल भी खाने चाहिए, फ्रूट्स भी खाने चाहिए, सारी हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, और अगर हम वही नहीं, डाइट क्या हो गई, इम्बैलेंस हो गई ना। तो देखो आंसर विल बी डाइटरी इम्बैलेंस, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट कम्स, व्हाट इज हेपेटाइटिस वायरस स्प्रेड फ्रॉम, विच हेपेटाइटिस वायरस स्प्रेड फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। हेपेटाइटिस का कौन सा हेपेटाइटिस वायरस डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से इधर उधर क्या होता है, स्प्रेड होता है। हेपेटाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन आता है, ये हेपेटाइटिस कौन से ऑर्गन की या फिर कौन बॉडी में किस में होता है, तो लीवर में होता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, स्वेलिंग, ठीक है, जब हमारा लीवर पे स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, तो हेपेटाइटिस हो जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है, और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से कौन सा हेपेटाइटिस होगा, सो द करेक्ट आंसर विल बी हेपेटाइटिस ए, जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, अब आपको हीमोग्लोबिन पता होगा, हीमोग्लोबिन क्या होता है, बोलते हैं ना हीमोग्लोबिन चेक करो, क्या बोलते हैं, बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो रहा होगा। सो हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है बॉडी में, आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स में, या बोन मैरो में। तो हीमोग्लोबिन कंटेंट जो होता है वो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स में होता है, इसको जब चेक करते हैं तो तभी हमारा क्या करते हैं, हमारा रेडियल या फिर जो हमारे एल्बो पे आर्टरी रहती है वहां से ब्लड लेते हैं ना इंजेक्शन से, तो वो वही टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टमक सेक्रीट्स विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक जूसेस, स्टमक कौन से गैस्ट्रिक जूस को सेक्रीट करती है। अब ये याद रखना कि गैस्ट्रिक जूस कहाँ भी आएगा, मतलब जहां भी गैस्ट्रिक आ रहा है, मतलब वो रिलेटेड है किससे, स्टमक से। एक बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ऑर्गन्स, एक ही टर्म है, GIO, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ऑर्गन्स, मतलब कि हमारे स्टमक के जो, मतलब हमारे डाइजेशन के जो ऑर्गन्स हैं, गैस्ट्रो में क्या आ जाएगा, स्टमक आ जाएगा, और इंटेस्टिनल में क्या आ जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। सो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ऑर्गन्स हम उनको भी बोलते हैं। सो गैस्ट्रिक जूसेज में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या सेक्रेट होता है, स्टमक क्या क्या सेक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूसेज में, HCl, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, या फिर कौन कौन से। द करेक्ट आंसर विल बी ए एंड बी, HCl एंड पेप्सिन, ठीक है। HCl क्या होता है, बहुत एसिडिक होता है, ठीक है, HCl इतना एसिडिक होता है कि वो कुछ भी चीज को जला सकता है। तो अब आप पूछोगे स्टमक कैसे नहीं जलता, तो वहां पे म्यूकस सेक्रेट होता है जो कि इनर लाइनिंग ऑफ वॉल को स्टमक की बचाता है किससे, जलने से। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज सोर्स ऑफ वाटर नॉर्म डिसीज लाइक कोलेरा, कौन सा पॉल्यूटेंट है जो कि वाटर नॉर्म डिसीज है, मतलब कि वाटर की वजह से
वाटर में इम्प्योरिटी होगी तो डिसीज हो सकती है, तो कौन सा ऐसा पॉल्यूटेंट है जिसकी वजह से वो कोलेरा हो जाएगा? सो मर्क्यूरी है, फर्टिलाइजर है, एनिमल वेस्ट है, सीवेज है। सो द करेक्ट आंसर विल बी आंसर डी, सीवेज। ठीक है, हेल्थ इज मेनली रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, अब ये बताओ हेल्थ जो है मेरी, अगर अच्छी हेल्थ है तो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है या कौन उसके लिए जिम्मेदार है अच्छी हेल्थ रखने के लिए? मैं या मेरे पेरेंट्स या फिर कम्युनिटी या फिर मेरा स्टेट? या फिर मेरी हेल्थ अगर खराब है तो कौन रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए? मैं खुद रेस्पॉन्सिबल हूँ ना। सो द करेक्ट आंसर विल बी आंसर ए, इंडिविजुअल। नेक्स्ट कम्स हेपेटाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द, मैंने बोला था क्वेश्चन आ सकता है। हेपेटाइटिस किस चीज का इन्फेक्शन है? किडनी का, स्टमक का, लीवर का, या फिर ड्योडेनम का? ड्योडेनम क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एक पार्ट होता है ड्योडेनम, जेजनम और इलियम। सो द करेक्ट आंसर विल बी लीवर, जैसे भी आपने पढ़ा था। विच एंजाइम हेल्प टू डाइजेस्ट फैट, कौन सी एंजाइम फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है? एमाइलेज, प्रोटीज या लाइपेज? सो द करेक्ट आंसर विल बी लाइपेज। प्रोटीन को आप पेप्सिन भी लिख सकते हैं, पेप्सिन भी होता है, ट्रिप्सिन भी होता है और ये भी होता है। एमाइलेज आती है किसके लिए? कार्ब्स के लिए। कौन कौन सी? पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ठीक है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज और सलाइवरी। ये माउथ में होती है और ये पैनक्रिया सेक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। और पैनक्रियाटिक लाइपेज भी होती है एक, वो फैट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो याद रखना आपको तीनों के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो करेक्ट आंसर भी लाइपेज। कम्युनिकेबल डिसीज आर कॉज्ड बाय, कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी होती है जो कि, सपोज करो मुझे कोई कम्युनिकेबल डिसीज है तो मगर मेरे साइड में कोई इंडिविजुअल बैठा है तो वो उसके होने की 101% चांसेज है कि वो उसको हो सकती है। ठीक है, मेरे से ट्रांसफर हो सकती है। जैसे बोलते हैं ना किसी को अगर कॉमन कोल्ड हुआ है, जुकाम हुआ है तो साइड वाला वो है तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो वही ये होता है। ठीक है, तो कौन इसको करता है? इट इज कॉज्ड बाय पैथोजन, पैथोजन ये कॉज करते हैं। व्हाट एनर्जी डू मिनरल्स सप्लाई टू बॉडी, कौन सी टाइप की एनर्जी मिनरल हमारी बॉडी को देते हैं? केमिकल एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, थर्मल एनर्जी देते हैं, कोई एनर्जी देते ही नहीं है मिनरल, बताओ। अब अगर कोई एनर्जी नहीं देते हैं तो फिर क्या, क्यों खाते हैं हम उनको? तो करेक्ट आंसर भी नो एनर्जी। हम इसलिए खाते हैं कि वो हमको एनर्जी, हमको देते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमको एनर्जी देते हैं। ठीक है, मिनरल्स वगैरह ये सब क्या करते हैं, हमको प्रोटेक्शन, बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं ये। ठीक है, और क्या होता है, ये इन इन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एनर्जी ड्रॉ आउट करने में भी हेल्प करते हैं, मतलब कि निकालने में भी। अभी हम खाएंगे तो हमको बॉडी में जाके ये एनर्जी निकालनी तो पड़ेगी इनसे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमने खाया है तो उसमें भी हमको हेल्प करते हैं। सो मिनरल सप्लाई नो एनर्जी टू अवर बॉडी। नेक्स्ट कम्स द, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल। टू टाइप्स के विटामिन होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, एक फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल बॉडी में बहुत देर के लिए नहीं रुकते हैं, फैट सॉल्युबल बॉडी में स्टे करते हैं थोड़े लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एज कम्पेयर टू वाटर सॉल्युबल। सो कौन सा विटामिन वाटर सॉल्यू, ओ सॉरी, फैट सॉल्युबल है? सो आंसर इज विटामिन डी। मैंने बताया था ना फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होता है, कीड़ा, फैट में कीड़ा, मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए डी और विटामिन ए। ठीक है, ये फैट सॉल्युबल होंगे। और बी और सी कौन से होंगे? वाटर। अब देखो ये आ गया स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, कौन सा बताना है? स्टेटमेंट वन पढ़ो पहले, इन क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, स्टेटमेंट वन है, एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, एनीमिया आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। और आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स इन द थायरॉयड ग्लैंड। आयोडीन जो है वो थायरॉयड ग्लैंड में हॉर्मोन्स प्रोडक्ट यूज करने के लिए इसेंशियल है। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? गलत है। पर सेकंड सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत क्यों है? एनीमिया कॉज होता है किसकी डेफिशिएंसी? आयरन की डेफिशिएंसी, तभी आपको पढ़ाया था ना आगे आयरन की। ठीक है, और डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से क्या होता है? गोइटर होता है।
आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर होता है, और सेकंड वाला सही है, थायराइड ग्लैंड जो रहती है उसके हार्मोन प्रोडक्शन में आयोडीन बहुत हेल्प करता है। तो देखो अब कौन सा सही है, फर्स्ट वाला है फॉल्स है, सेकंड वाला सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ये वाला नहीं होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, ये भी नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, लास्ट वाला सही होगा कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और सेकंड इज ट्रू, मतलब फोर्थ इसका आंसर है डी। सो आंसर इज 4। देन नेक्स्ट कम द, इफ द फैट वेट ऑफ योर बॉडी इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम योर बॉडी वेट द रिजल्ट विल बी। देखो बॉडी है हमारी, ये बॉडी है, ये पूरी वेट है का। सपोज करो कि ये हमारी बॉडी है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें फैट भी है, ये पूरा हमारा क्या है, बॉडी वेट, पूरी बॉडी का वेट। ये क्या है, फैट है, ये क्या है, मसल है, ये क्या है, बोन्स वगैरह तो प्रेजेंट रहेंगी। अब उसने बोला है कि फैट वेट ऑफ बॉडी, मतलब कि इस पूरे बॉडी वेट में से इस फैट का वेट अगर हम निकाल दें तो हमको क्या मिलेगा, टोटल बॉडी वेट, ये तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि हम बॉडी वेट में से माइनस कर देने फैट का। एन आइडियल बॉडी फैट, आइडियल मतलब कि जो हम चाहते हैं, फिर जो होना चाहिए नॉर्म्स के हिसाब से, वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि फैट तो हमने हटा दिया। मीजोमोर्फ इमेज भी नहीं होगी, मीजोमोर्फ एक्टोमोर्फ और एंडोमोर्फ, ये 3 क्लासिफिकेशन थी जो शेल्डन ने दी थी, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। इनके भी वो होते हैं 1:7:7:7:1:1 करके, इनके रेशियो में रहते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, लीन बॉडी मास मिलेगा। जब हम पूरी बॉडी, सपोज करो आप अपनी बॉडी से, आपकी पूरी बॉडी से मैं फैट निकाल दूं तो क्या होगा, बोलोगे ना लीन है, बहुत लीन इंडिविजुअल हो गया, लीन होता है बोलते हैं कि बहुत लीन है, उसके बहुत मसल्स है, लीन है, तो हमको लीन बॉडी मास मिलेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी सी, लीन बॉडी मास। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ये तो आपको पता ही है, ए बी सी डी। सो आंसर विल बी विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस ए की वजह से होता है। द कम्युनिकेबल डिसीज ऑल्सो नोन एज हैंसन्स डिसीज, हैंसन्स डिसीज किसको बोलते हैं, लेप्रोसी को, COVID-19 को, एड्स को, या स्मॉल पॉक्स को। सो लेप्रोसी को हम हैंसन्स डिसीज बोलते हैं, करेक्ट आंसर विल बी ए। फैट इज ऑल्सो नोन एज, फैट को हम क्या बोलते हैं, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज या पॉलीपेप्टाइड। देखो अमाइनो एसिड नहीं होगा, अमाइनो एसिड की चेन रख क्या क्या रहती है, प्रोटीन रहती है, ठीक है। ग्लूकोज नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट में आता है ग्लूकोज। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, अमाइनो एसिड अगर चेन बना लेते हैं ना तो ये पेप्टाइड बन जाते हैं, फिर पेप्टाइड की बहुत लंबी लंबी चेन बन जाएगा तो पॉलीपेप्टाइड बन जाएंगे, और पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम प्रोटीन बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर भी आंसर ए, ऑप्शन ए सॉरी, लिपिड्स, फैट को हम लिपिड्स ही बोलते हैं। फॉलोइंग फूड कंपोनेंट डू नॉट प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी इन द बॉडी, कौन से फूड कंपोनेंट बॉडी में हीट और एनर्जी नहीं बनाते हैं, प्रोटीन, विटामिन, फैट एंड मिनरल्स। अभी आपको बताया था मैंने कौन एनर्जी नहीं देता बॉडी में, तो कौन कौन से होंगे, सेकेंड एंड फोर्थ, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, प्रोटीन और फैट हमको एनर्जी देते हैं। द करेक्ट आंसर इज डी, सेकेंड एंड फोर्थ। एब्रीवेशन एड्स स्टैंड फॉर, एड्स की फुल फॉर्म बताओ। आपको एड्स सबने सुना होगा, फुल फॉर्म में सब कंफ्यूज रहते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डायरेक्टिव सिंड्रोम, सेकेंड ऑप्शन एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक्यूट, थर्ड ऑप्शन एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, या डी एक्यूट इम्यून डायरेक्टिव सिंड्रोम। सो द करेक्ट आंसर विल बी आंसर सी, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी। एड्स क्या होता है, इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है हमारे, ठीक है, कुछ नहीं करता वो, बस हमारे इम्यून सिस्टम को, जो इम्यून सिस्टम होता है ना, क्या करता है वो हमारी बॉडी पे, जैसे इंडिया में इंडिया की आर्मी काम करती है, कुछ भी हमला हुआ इंडिया पे तो इंडिया आर्मी उसका रेस्पॉन्स देगी, ऐसी हमारी बॉडी का क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है, हमारी बॉडी की आर्मी होती है। कोई भी एक्सटर्नल पैथोजन, एक्सटर्नल एजेंट हमको हार्म कर रहा है तो हमारा इम्यून सिस्टम एकदम एक्शन में आ जाएगा। तो क्या करता है एड्स, हमारे इम्यून सिस्टम को ही है। अब क्या हुआ, कोई इंडिया पर अटैक ना करे, आर्मी पर अटैक करने लगे, वो बोले कि हम इंडिया पर अटैक नहीं कर रहे, हम आर्मी पर अटैक करते हैं सीधे, तो बहुत लोड आएगा ना आर्मी को, फंक्शनिंग के लिए वो भी नहीं मिलेगा। तो इस वजह से एड्स वो एक बहुत ज्यादा वो डिसीज है, कौन सी, हार्मफुल। द फील गुड केमिकल एंडोर्फिन्स कॉमनली नोन एज रनर्स हाई दैट आर रिलीज इन द ब्रेन आर न्यू नेचुरल ऑपिएट्स टू।
जो फील गुड केमिकल है एंडोर्फिन हार्मोन जो है वो हमको गुड फील कराता है, ठीक है। जब भी हम अच्छा फील करते हैं ना तो हमारे ये वाला हार्मोन रिलीज होता है, याद रखना एंडोर्फिन, ठीक है, जिसको हम रनर्स हाई भी बोलते हैं। तो ये रिलीज होता है तो हमारे ब्रेन ब्रेन से रिलीज होता है, तो क्या होता है ये, किसकी वजह से हमारा क्या होता है बॉडी में, मुझे बहुत पेन हो रहा है, क्या हुआ, मैंने कोई मेडिसिन ली, ठीक है, और वो पेन खत्म हो गया, वो पेन खत्म नहीं हुआ, पेन हो रहा है, पर क्या हुआ है, हमारे ये हॉर्मोन्स रिलीज हुए हैं जिससे कि वो पेन हमको फील ना हो ज्यादा, ठीक है। या कभी हमें गुड फील होता तो क्या होता है, वाला हॉर्मोन रिलीज होता तो क्या होता है, जो एनहेंस टॉलरेंस टू पेन, हमारी जो पेन सहने की शक्ति है या तो उसको बढ़ाता है या कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। ये 1 मिनट में कितना हर्ट से ब्लड पंप हो रहा है वो कार्डियक आउटपुट होता है, वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाता है या तो, या फिर मसल पोटेंशियल को बढ़ाता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी एनहेंस टॉलरेंस टू पेन, हमारी पेन को सहने की शक्ति को बढ़ा देता है, तभी हम गुड फील करते हैं। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग मोस्टली हेल्प्स इन, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग जो है वो किस चीज में हेल्प करता है, मतलब किसको ज्यादा हेल्प करता है, बोलते हैं ना कार्ब लोडिंग कर रहे हैं, कार्ब लोडिंग कर रहे हैं स्प्रिंटर्स को, मिडिल डिस्टेंस रनर्स को, मैराथन रनर्स को या फिर रेसलर्स को। सो द करेक्ट आंसर भी मैराथन रनर्स को, क्योंकि उनके लॉन्ग ड्यूरेशन तक कंटिन्यू एक्टिविटी करनी पड़ती है, एरोबिक एक्टिविटी। ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय, ट्यूबरक्लोसिस कौन कॉज करता है, पैरासाइट, वायरस, बैक्टीरिया या फिर नन ऑफ दीज। ट्यूबरक्लोसिस का कौन होता है पैथोजन, सो द करेक्ट आंसर विल बी बैक्टीरिया, सॉरी दिस विल बी सी। द ओनली क्लास ऑफ फूड विच कंटेन्स नाइट्रोजन, आपको सबको पता है कि प्रोटीन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फैट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कार्बोहाइड्रेट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इन तीनों में से अकेला एक ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, क्या वो प्रोटीन है, क्या वो फैट है, कार्बोहाइड्रेट है। सो द करेक्ट आंसर भी प्रोटीन, प्रोटीन में क्या क्या रहता है, कार्बन रहता है, नाइट्रोजन रहता है और ऑक्सीजन रहता है, CNO, ठीक है। फिर कार फैट में क्या रहता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स रहते हैं, ठीक है। फैटी एसिड्स में कार्बन प्रेजेंट रहता है, इनकी लॉन्ग चेन होती है कार्बन की, उसको हम फैटी एसिड बोलते हैं, ऐसे चेन रहती है, ठीक है। मैंने क्लास में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है फैट्स को, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट क्या रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स रहते हैं, बस ये तीनों चीजें प्रेजेंट रहती हैं तो कार्बोहाइड्रेट। सो द करेक्ट आंसर बी आंसर ए प्रोटीन। सो अवर टूडेज टेस्ट सीरीज सेशन वॉज ओवर, हमने आज 30 MCQs लगाए हैं। सो ये बेसिक क्वेश्चन हैं, थोड़ा मतलब मैंने ट्राई किया था वेरिएशन लाने की इसमें, जैसे आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन मिल गए, मतलब दोनों तीनों टाइप के क्वेश्चन मिल गए हैं कि फिर इन द ब्लैंक्स टाइप भी, मैच द फॉलोइंग भी, स्टेटमेंट वाले भी और जैसे जैसे आते हैं, ठीक है। अगर आपको और इन सब में एज इन और क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, सो यू कैन डाउनलोड दी डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप, जो 19 MB वाला ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे अपने आप को